गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज आर हिंदी क्लास और टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ आ की मात्रा। आज हम क्या कर रहे हैं? आ की मात्रा का रिवीजन। ठीक है, आ की मात्रा कैसे लगती है? आ की मात्रा ऐसे लगती है ना। और जैसे हमने बोला क, क में जब हमने आ की मात्रा लगा दी तो क्या साउंड हो गई? का। क प्लस आ का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। कमल, कमल। अब हमने इसमें ल में आ की मात्रा लगा दी आ, तो क्या हो गया? कमल आ कमला, है ना। क्या हो गया? कमला। जब आप साउंड पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मात्रा हमें कहाँ लगानी है। ये क्या लिखा है? र म, रम। अब हमने र पे आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? रम का मतलब बिल्कुल बदल गया। क्या हो गया? र आ रा म राम। क्या हो गया बेटे? राम। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ग म ल। अब हम क्या करेंगे? हम ल पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? ग म ला। ल पे क्योंकि आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? गमला। नेक्स्ट इज ग यक, गयक। गयक कुछ होता है नहीं। अब हम क्या करेंगे? ग पे हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? ग आ गा, यक गायक। ओके, जब हमें किसी वर्ड पर आ की मात्रा हम लगाते हैं तो उसकी साउंड क्या हो जाती है? आ। जैसे ख, ख प्लस आ क्या बन गया? खा। ठीक है, ग प्लस आ ग। ठीक है, जब भी हम आ की मात्रा लगाते हैं तो किसकी साउंड आती है? आ की। ठीक है, जब किसी वर्ड में आ की साउंड हो रही होती आती है तो हम क्या लगाते हैं मात्रा? ये वाली आ की मात्रा। ओके, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एट योर होम एंड एंजॉय।